से जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आप यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आज मैं यहाँ सनातन धर्म मंदिर में श्वालामस्तनाथ में भगवान वामन देव के अवतरण के उपलक्ष्य में और मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है और मैं यहाँ की प्रबंध समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज भगवान अपने वामन देव का और स्नान करवाया, तो स्नान करवा करके और हमें जो प्रसन्नता और बल मिला है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और ये बहुत कल्याणकारी हैं, सबका कल्याण करते हैं। और वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भगवान वामन देव का और स्नान करवा के श्रृंगार करवा के और ये झलझुलनी के नाम से मशहूर है और ये डोला निकलता है पूरे गोहाना शहर में। तो इस बात के लिए मैं यहाँ के प्रबंध समिति को, भाई प्रवीण गोयल को, गोविंद गोयल, हमारे ओडी शर्मा जी और अन्य हमारे वीरेंद्र जैन जी, सारे जितने साथी हैं उनको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस परंपरा को इन्होंने बनाए रखा है और पूरा मन से मेहनत करके, समय लगा करके और ये सारा कार्यक्रम करते हैं। पूरा दिन ये शोभा यात्रा निकलेगी पूरे गोहाना का चक्कर लगाते हुए। तो पुनः मैं यहाँ के प्रबंध समिति का आभार व्यक्त करते हुए और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ भगवान वामन देव के और इस अवतरण दिवस पर यहाँ आकर के मुझे उनको स्नान कराने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो मेरे साथी और जो आए हैं, हमारे बलजीत दांगी जी, तीरथ राणा जी, भाई श्री भगवान गोयल जी, तो और जो अन्य साथी हैं उन सब का भी मैं अपने जो है उनका स्वागत करता हूँ। तो मुझे भगवान, मेरा प्रार्थना है प्रभु से कि सबके ऊपर कृपा करें और पुनः धन्यवाद करते हुए मैं यही जी शोभा यात्रा जी बिल्कुल जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज सनातन धर्म मंदिर और शिव मस्तनाथ समिति के द्वारा आज ये झलझुलनी डोला वामन अवतार का हर वर्ष की बात ही, आज भी एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें राम कुमार मित्तल जी, अमन गोयल जी, हमारे बलजीत डांगी जी और शहर के सम्मानित सज्जन इसमें शामिल हुए हैं और गोविंदर की पूरी टीम ने इसको निकालने का पहले भी हर साल निकालते, पिछली बार भी मैं इस यात्रा में शामिल हुआ था और आज भी ये अलग अलग चौराहे से गुजरती हुई पूरे शहर का की यात्रा करते हुए वापस पहुंचेगी और इसमें हम शामिल होंगे। सभी मेरी श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि इसमें शामिल हों और अपने प्रभु जी का आशीर्वाद ले, वामन अवतार जी का पूरा आशीर्वाद और सभी पर कृपा बनी रहे। मंदिर पहुँचे हैं, शोभा यात्रा का शुभारम्भ किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? आज इस पावन पर्व पर मैं समस्त शिवाला मस्तनाथ और मेरे भाई प्रवीण गोयल एवं सहयोगियों को हार्दिक बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के दिन भगवान विष्णु ने जो वामन अवतार लिया है, हमारे को ये सबक सिखाया है कि जैसे बाली का घमंड चूर किया है, ऐसे ही इस संसार में रहते हुए किसी को कोई घमंड नहीं करना चाहिए, सब भगवान के आगे नतमस्तक है, उसी की कृपा के आधार पर सब कुछ है। आपका भी धन्यवाद और समस्त शिवाला मस्तनाथ कमेटी का भी धन्यवाद। और मैं बड़ा धनभागी हूँ कि आज जो मेरे को बुलाया गया और मेरे को दर्शन कराए गए और पूजा कराई गई, इसके लिए मैं आपका सभी का धन्यवाद दूँ। जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या इसका पूरा महत्व है? पूरा महत्व तो इसका बहुत पुराना है, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे बुजुर्गों के टाइम से निकलता है ये। बावन भगवान जो कृष्ण भगवान के छोटे रूप थे उनका जुलूस है, ये कहीं कहीं पर निकलता है और विशेष तौर पर हमारे आसपास गोहाना में निकलता है। इसको हम 70-80 वर्षों से निकाल रहे हैं, अब इसका बड़ा रूप कर दिया है, पहले जैसा जमाना था उसके हिसाब से। तो आज शोभा यात्रा किन किन क्षेत्रों से निकलते हुए? शोभा यात्रा मेन बाज़ार से होती हुई और तहसील रोड, अनाज मंडी, हुकमचंद मंडी, काठ मंडी और बड़ौदा रोड से होती हुई सिविल रोड और रोहतक गेट से अंदर आके बाज़ार में से मंदिर में पहुँचेगी और जहाँ आके शाम को आरती होगी और प्रसाद वितरित। We'll be right back.
Thank you.